अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार हूँ और मैं आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको गर्मियों के गर्म मौसम में मुल्तानी मिट्टी से चेहरे को बेहद शादाब और खूबसूरत बनाने का एक बहुत ही आसान टोटका बता रही हूँ। ये लगाने से गारंटी से आपका रंग फेयर होगा, गर्मियों के मौसम में भी आपके चेहरे पर चिकनाई नहीं आएगी और आपका कलर गोरा ही रहेगा। आप ले लें 140 में डालें एक चम्मच भरकर बेसन, खालिस बेसन आपने लेना है। इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे सब आपने खालिस लेने हैं। एक चम्मच ही ले लें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और एक चम्मच ले लें आप आटा, जो घर में आटा यूज होता है रोटी बनाने के लिए वही लेना है। और मुल्तानी मिट्टी आप डला लेकर ग्राइंड करके रख लें या फिर किसी अच्छी कंपनी का ले लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टमाटर का गूदा, लाल टमाटर आपने लेना है छोटे साइज का, और इस तरह से अच्छी तरह से इसका रस और गूदा इसमें डाल दें। इसके बाद आप इसमें डालें आलू का रस, आलू को अच्छी तरह से धोकर आप छील लें और कद्दूकश करके अच्छी तरह से प्रेस करके इसका रस निकाल लें। ये खालिस रस है, इस रस को आप इसमें इतना मिलाएं कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें, इस तरह से ये मुल्तानी मिट्टी का मास्क तैयार हो जाएगा। ये मड मास्क बहुत ही इफेक्टिव है, ये लगाने से आपके चेहरे पर हर तरह के दाग धब्बे भी खत्म होंगे, साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होना शुरू हो जाएगा। आपने करना ये है कि आप पहले अपने चेहरे को कर लें वॉश और उसके बाद ये मड मास्क अपने चेहरे पर लगाएं और मसाज करते हुए लगाएं और 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद अपनी स्किन सादा पानी से वॉश कर लें। आपने पहले यह करना है कि इस मास्क को रिमूव कर लें और उसके 5 से 10 मिनट के बाद चेहरे को वॉश करें, तो फौरन वॉश नहीं करना। इंशाल्लाह ताला ये लगाने से आपको इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगी। हफ्ते में कम अज कम एक बार ये मड मास्क आपके चेहरे पर जरूर जो है अप्लाई होना चाहिए ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।